है कि जब वो अगर सनसेट का टाइम है तो जो अपना विजिबल होराइजन है जो हम लोग को दिख रहा होता है उससे थोड़ा सा उसके भी पहले है। कैंडिडेट ऊपर होना चाहिए। तो सर जैसे ये विजुअल और इसमें थियोरेटिकल जो इसमें बुक में जैसे लिखा हुआ उसमें मतलब थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, कंफ्यूजन हो रहा क्या चीज मतलब समझा नहीं, इसमें कंफ्यूजन क्या है वो समझना चाह रहा हूँ। उससे तुम ये है। पूछना जैसे चाह रहे हो कि वो सेमी डायमीटर ऊपर क्यों लेते हैं, ये दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। वो तो सर मतलब ठीक है थोड़ा बहुत है पता है, लेकिन मतलब इसमें जैसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ ना विजुअल राइजिंग सेटिंग का और जो थियोरेटिकल राइजिंग और सेटिंग का, तो उसमें मतलब वो चीज मतलब डिफरेंस कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या है। अगर उसने मतलब जैसे पूछ लिया कि थियोरेटिकल क्या होता है और सनराइज और विजिबल सनराइज में क्या डिफरेंस है, मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वो थियोरेटिकल है। दोनों एक ही बात होती है, सिर्फ फर्क होता है डिप ऑफ होराइजन का। ठीक है, अर्थ इज स्फेरिकल इन नेचर, राइट? तो स्फेरिकल इन नेचर होने की वजह से टुवर्ड्स द होराइजन द टेंडेंसी ऑफ द अर्थ शेप इज टू डिप। बिकॉज ऑफ दैट डिप क्या होता है कि कोई भी चीज जो आपका एक्चुअल हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पे राइज होने में कंपैरेटिवली वो ज्यादा टाइम लगाएगी एज कंपेयर टू द एक्चुअल राइजिंग पॉइंट। एक्चुअल राइजिंग पॉइंट पहले आएगा, आपका विजिबल पॉइंट बाद में आएगा बिकॉज ऑफ दैट डिप इन नेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस एट टुवर्ड्स द होराइजन। तो यही चीज प्ले में आती है जब आप सेमी डायमीटर की बात करते हो। तो एक्चुअली में डिप की वजह से जब सेमी डायमीटर ऊपर आएगा सन, तो वो एक्चुअली आपके डिपिंग होराइजन पर होगा, तब वो एक्चुअली आपके डिपिंग होराइजन के प्लेन पे होगा। बट उस डिपिंग नेचर की वजह से आपको वहां पे सन दिखेगा नहीं, जब वो सेमी डायमीटर ऊपर आ जाएगा तब वो उस प्लेन को मैच करेगा एंड देन इट विल बी द एक्चुअल एम्पलीट्यूड ऑन प्राइम वर्टिकल दैट यू विल बी ऑब्जर्विंग। क्योंकि जब होराइजन डिप होता है तो उसके साथ सारी लाइंस डिप होती है ना, आपका प्राइम वर्टिकल भी डिपिंग नेचर का है, आपका वर्टिकल सर्किल ऑफ बॉडी भी डिपिंग नेचर का है ना। तो इनफैक्ट मेरिडियंस, लैटिट्यूड्स, एवरीथिंग इज ऑफ डिपिंग नेचर, है ना, कर्व्ड सरफेस। लेकिन वो कर्व्ड सरफेस इतना एनलार्ज्ड है कि एक बार जिस प्लेन में आप एक्चुअली सेल करते हो वो आपको कर्व नहीं दिखता है, वो आपको फ्लैट दिखता है। तो उस फ्लैट और उस डिपिंग या उस कर्व सरफेस को मैच करने के लिए ये क्राइटेरिया ऑब्वियसली आफ्टर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन सेट किया गया कि अगर आपको वो सेम प्लेन में एक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन लेना है एक्चुअली एट द टाइम ऑफ राइजिंग और सेटिंग, देन द बॉडी शुड बी एटलीस्ट बिगर बॉडीज, नॉट फॉर अभी स्टार्स का आप एम्पलीट्यूड नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब वो इतना छोटा बॉडी है आपको दिखेगा ही नहीं राइजिंग सेटिंग के टाइम पे, तो आप सिर्फ लार्ज बॉडीज का ही एम्पलीट्यूड ले सकते हो लाइक सन और मून। ठीक है, तो उस सिचुएशन में लार्ज बॉडीज आपके इस होराइजन या प्राइम वर्टिकल को तब एग्जैक्टली मैच करेंगी जब आपका विजिबल प्लेन में वो बॉडी सेमी डायमीटर ऑफ इट्स टोटल डायमीटर के बराबर ऊपर होगा आपके विजिबल होराइजन पे। Then you will be able to project it exactly at the time of prime vertical of both theoretical rising या setting time माना जाएगा। That is तो how. सर ये क्राइटेरिया थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा, मतलब सेम रहेगा। वो तो अर्थ के डिपिंग नेचर और कर्व पे डिपेंडेंट है, तो वो तो कभी चेंज नहीं होता। तो ऑब्वियसली इट विल नेवर चेंज, ना ही उस बॉडी का सेमी डायमीटर कभी चेंज होगा, वो भी फिक्स्ड है। तो जिन चीजों पे ये डिपेंडेंट है वो फिक्स फैक्टर्स है, तो इसीलिए वो राउंड ईयर सेम ही रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होगा। कहाँ है बाकी उस्ताद लोग? अली संदीप तो आज नहीं आएगा, उसने बोला था अमित वो भी आज पढ़ाऊंगा, संदीप को हेल्प करना चाहूंगा। अय्यर तुम्हारे पास लास्ट टाइम जो सारे नोट्स मैंने शेयर किए थे वो है? वो भी नहीं है? वो भी नहीं है सर। वो भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ठीक है, एक मिनट रुको। भेजा दूंगा मैं, ठीक है? इन नोट्स में दो टाइप के सेट है, ठीक है? एक सेट है जिसमें तुम देखोगे 17 क्वेश्चन क्वेश्चन का, और एक सेट है जिसमें यू नो 10 और 3 करके अलग अलग 13 क्वेश्चंस है। तो जो सेवन, ये टोटल 30 क्वेश्चंस है। पीओएन सेक्शन में 30 क्वेश्चंस कर लिए मतलब
काम खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता जनरली, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन वाला जो सेट है वो अभी शुरू हुआ है कल, उसमें एक ही क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस किया, बाकी आज करूंगा। और वो एक्सप्लेनेटरी सेट है, उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, कंसेप्ट है, फंडा है ना। जो रिमेनिंग 13 है वो पूरा मगिंग अप क्वेश्चन वाला सेट है, उसमें मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई डेफिनेशन है, कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना। तो उसमें वो मैंने एक आंसर शीट बनाया खुद ऑब्वियसली, वो भी मैं बाद में जब वो सेट पे आऊंगा ये 17 खत्म करने का, तो वो मैं भेज दूंगा, चाहे डिक्टेट कर दूंगा क्लास में, चाहे सेट की कॉपी भेज दूंगा, वो आपको रट्टा मारने वाला काम है, ठीक है। और बाकी जो ये पहला सेट है 17 क्वेश्चन वाला, इसके भी कुछ रेफरेंस आंसर्स मैंने आपको भेजे हैं फोटोज, ठीक है। तो आप जो क्लास में सीखोगे, मैं पढ़ाऊंगा, सुनोगे, यू लिसन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जो ये रेफरेंस आंसर्स मैंने भेजे, इनको मिक्स एंड मैच करके आप अपने नोट्स डेवलप करेंगे, क्योंकि ये रेफरेंस आंसर्स मैंने ही पढ़ाया था जब, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं और मुझे रिव्यू के लिए भेजते हैं, तो उसमें से एक स्टूडेंट ने थोड़ा ढंग से लिखा था, तो इसलिए मैंने उसको एज बेस बना के स्टूडेंट्स को शेयर करना शुरू किया। बट वो एक स्टूडेंट का ही लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है, तो उसने अपनी जानकारी के हिसाब से क्लोज टू आई कैन से परसेंटेज वाइज 80% अच्छा लिखा है, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ 20% इंप्रूवमेंट, जो आप क्लास में भी सीख रहे हो, है ना। तो उन दोनों को मर्ज करके आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे, बात समझ आ गई। और अगर उसमें कहीं रिव्यू की जरूरत है तो आप कभी भी मुझे भेज सकते हैं, मुझे जब भी फ्री होऊंगा मैं आप उसके एक बार रिव्यू करके आपको इनपुट भी दे दूं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आई। सर ये भेजाओ आपने सर, ये मैं यार मैं जवाब ही बाकी लोग तो अच्छे से आऊंगा अच्छे से बात करो ये आदमी बीच में एक ऐसी चीज करता है ना मैं मुंह में अरे गाली दे भाई ऐसे नहीं तो आज अबे दस दिन हो गया भेजे हुए दस दिन चैंपियन पता है सर देखा है सर कहाँ है अली महोदय, ठीक है। अब जो लेट है वो लेट है, मैंने पहले ही कहा था टाइम का ध्यान रखने का, आई स्टार्ट, एवरीबडी टाइम हैज सम वैल्यू, वी रिस्पेक्ट इट। सेकेंड क्वेश्चन बोला जाए, क्या था जिंदगी में, वो 17 क्वेश्चन वाले सेट का जो सेकेंड क्वेश्चन, जल्दी बोलो। मोस्ट सेक्रेट फॉर्म ऑफ साइट विद फेस, टेरेस्ट्रियल पोजीशन फिक्सिंग मेथड ना, that is the second question, various types of terrestrial position fixing methods and most accurate of them all, theek hai, anybody who will like to pitch in something on this, pehle to various type of terrestrial fixing methods ke naam, sir HSA, three point bearing HSA or transit bearing, vertical sextant angle, vertical sextant angle, transit bearing, or one running fix, running fix, or one bearing and one range, okay, a bearing and a range, aise two bearings at a time, same time, that is also there, then one bearing and a depth contour measured at the same time, again that is also a provision of fixing your position, then transfer coefficient circle, hai na, rising diff, hai na, to aap जैसे ही इस क्वेश्चन का ये आंसर शुरू करेंगे देना, ये नाम लेना आप शुरू करोगे, तो ऑब्वियसली सर्वेयर आपसे बीच में टोकेगा, बोलेगा कि ठीक है, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ देम ऑल एंड व्हाई, उसका जवाब क्या है आपके हिसाब से, ट्रांजिट बेरिंग, पहली बात तो अविनाश ट्रांजिट बेरिंग अकेले फिक्स नहीं देता है, ट्रांजिट बेरिंग के साथ या तो रेंज हो और या ट्रांजिट बेरिंग के साथ एक और बेरिंग, तब आपको फिक्स मिलेगा। ट्रांजिट बेरिंग अपने आप में एक सिंगल ऑब्जर्वेशन हुआ ना, वो कौन सा वाला है जिसमें
जिसमें वो लाइट हाउसेस ऐसे लाइन में आ जाएंगे तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। हां तो अभी मेरे को तो पता है ना लल्ला, ट्रांजिट बेयरिंग का मतलब आई नो। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ट्रांजिट बेयरिंग अपने आप में एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है ना, एक बेयरिंग लाइन ही मिली ना तो वो एक पीएल है। फिक्स के लिए आपको दो ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ट्रांजिट बेयरिंग अकेला फिक्स नहीं दे सकता, आपको उसके साथ एक और बेयरिंग चाहिए, उस बेयरिंग के साथ एक रेंज चाहिए, है ना, तभी तो फिक्स मिलेगा ना। हाँ ये कह रहा हूँ मैं, अभी समझा मेरी बात। हाँ खैर, कोई दूसरा जना भी कुछ बोल रहा था, बोलिए अली, प्लीज टेक नोट ऑफ टाइम माई फ्रेंड प्लीज। नोट्स में पढ़ा था सर। हाँ तो बोल ना जो पढ़ा था, जो याद हो गलत सही से क्या फर्क पड़ता है यार, मैं बैठा है सर। सेक्सटेंड एंगल वाला सर। क्या पढ़ा था बच्चे? सर सेक्सटेंड एंगल वाला। हाँ HSA, हॉरिजॉन्टल सेक्सटेंड एंगल। ठीक है, तो जवाब बिल्कुल सही है, HSA सबसे एक्यूरेट है, अच्छा हुआ आपने पढ़ा। रीजन भी है वहां पे थोड़ा बहुत लिखा है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। क्या लिखा है सर? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों स्टेशनरी हैं और मिनिमम चांस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। और दूसरा क्या बोला शुभम? मिनिमम चांस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक्सीलेंट। और नोन नोन इंस्ट्रूमेंट एरर। हां और इंस्ट्रूमेंट एरर इफ एनी वो नोन होता है, हमको पता ही है। नोन तो नहीं होगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है मैं समझाता हूँ, ये पढ़ा है आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लिखा भी सही गया है वहां पे जो मैंने पढ़ाया था, लेकिन इसका थोड़ा डिटेल समझाता हूँ क्या है। सी, पहली बात तो HSA मेथड रिकॉल होना चाहिए सबको, अगर नहीं है तो मैं एक बार फटाक से दो सेकंड में करा देता हूँ, जल्दी जल्दी सुनना मेरी बात। HSA में क्या होता था, तीन लाइट हाउसेज होते थे, एंकर्ड वेसल होता होना जरूरी है HSA में, है ना, वेसल शुड बी स्टेशनरी व्हाइल टेकिंग नेसेसरी ऑब्जर्वेशन। आपको HSA के क्वेश्चन भी अगर याद हो तो सब जगह लिखा रहता था वेसल एट एंकर, ये वो करके, है ना, हमेशा HSA के क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, बेसिकली स्टेशनरी वेसल के लिए मेंशन रहता है उस क्वेश्चन में। तो ऐसे सिचुएशन में सीधी सी बात ये प्ले में आती है कि HSA में तीन एक ही टाइम पे एक खड़े हुए जहाज से आपके सामने तीन ऑब्जेक्ट, तीन लाइट हाउसेज, आप उनसे तीन बेयरिंग्स लेते हो, और जनरली वो क्वेश्चन में कंपस में दिया रहता है, आप दोनों का पहली दूसरी का डिफरेंस निकालते हो, एक HSA वैल्यू आती है, फिर सेकेंड एंड थर्ड का डिफरेंस निकालते हो, एक और HSA वैल्यू आती है, और फिर HSA के पांच डिफरेंट कंडीशंस होते थे, लेस देन 90, मोर देन 90, इक्वल टू 180, इक्वल टू 90 और इक्वल टू 0, ये पांच कंडीशंस होते थे, और उन कंडीशंस के हिसाब से इंप्लीकेटिव प्लॉटिंग करके और आप अपना फिक्स कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि एक HSA से एक ऑब्जर्वेशन आएगा कोई सर्कल या कोई पीएल, फिर दूसरे HSA से इसी तरह दूसरा सर्कल या पीएल आएगा, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट आपका फिक्स है। दैट इज हाउ HSA में वी प्रोसीड। बिफोर मूविंग ऑन, अविनाश आप कुछ कह रहे थे? सर नहीं, वो एक कोई भी बोर्ड के ऊपर बता दोगे इजी हो जाएगा साथ साथ में। तुम रिटन पढ़वाओ उनसे, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। चैंपियन ये है ना, एक लाइट हाउस, दूसरा लाइट हाउस, सपोज तीसरा लाइट हाउस ज्वाइन किया, इसका एक HSA आएगा, इसका एक HSA आएगा, HSA 1, HSA 2, है ना, फिर जो भी HSA की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से प्लॉट और एक सर्कल बना, इसके हिसाब से प्लॉट और एक सर्कल बना। अब ये क्योंकि एक एक ही टाइम पे है और ऑब्वियसली सेकेंड लाइट हाउस कॉमन लाइट हाउस है, तो एक इंटरसेक्शन यहाँ होगा जो पोजिशन नहीं हो सकता, लाइट हाउस पे तो पोजिशन हो सकती, तो इसके बाहर जो इंटरसेक्शन आया दूसरा, दैट इज योर फिक्स, वो आपका फिक्स है। This is HSA plot, right? तो अभी इसको सबसे accurate क्यों बोला गया? दो कारण, जो शुभम ने बोले भी, मैं उसे सिर्फ explain कर रहा हूं। पहला कारण ये है कि जो हमने अभी discuss भी किया कि HSA is the only terrestrial fixing method जिसमें object और vessel या observer दोनों stationary होते हैं। तो जितना ज्यादा stationary observation होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। HSA छोड़ के ये सुविधा आपको और किसी भी मेथड में नहीं है। तो HSA छोड़ के दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन एनी अदर मेथड, है ना?
दैट इज दिस इज द ओनली मेथड जिसमें वेसल और ऑब्जेक्ट दोनों स्टेशनरी है, बाकी सब में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा बट वेसल मूविंग होता है। तो इसीलिए ये आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है एचएसए के बेटर एक्यूरेसी प्रोस्पेक्ट में। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ये बात समझ में आई? दूसरी बात, इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर मिनिमाइज हो जाते हैं क्योंकि आपको इस मेथड में सिवाय एजिमथ रिंग के और कुछ चाहिए नहीं। यू नीड नथिंग एल्स एक्सेप्ट एजिमथ रिंग। बाकी सब में टेलीग्राफ भी चाहिए, इंजन स्पीड भी नोट करनी है, रडार डिस्टेंस, रडार भी चाहिए, रडार डिस्टेंस लेना है अगर, तो यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इनटू प्ले। बट इन एचएसए एक्सेप्ट एजिमथ रिंग ऑन अ जायरो यू नीड नथिंग एल्स, दैट एंड्स देयर। तो जितने मिनिमम यूजिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उतना मिनिमाइज इंस्ट्रूमेंटल एरर प्ले में आएगा, और एक्यूरेसी बढ़ाने का किसी भी मेथोडोलॉजी में ये बेसिक एडेप्टेशन होता है कि आपका एरर रिडक्शन होना चाहिए। जितना एरर रिड्यूस होने के चांसेस होंगे एक्यूरेसी उतनी पैरेलली बढ़ेगी। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स व्हिच एनहांसेस द एक्यूरेसी ऑफ एचएसए मेथड एज कंपेयर्ड टू द रेस्ट। एक दूसरी बात, तीसरी बात, इसमें जनरल एरर्स का एप्लीकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। जनरल एरर्स बोले तो टेरेस्ट्रियल फिक्सिंग मेथड में जनरल एरर्स दो होते हैं, डेविएशन एंड वेरिएशन। This is the only method जिसमें आपको ये general errors apply भी नहीं करने। क्यों? अब ये बात ध्यान से सुनना, ये सबसे important point है। Variation और deviation की अगर हम बात करें, तो variation अपने आप में एक positional dependent aspect है। आपने देखा होगा charts पे अलग अलग compass rows पे अलग अलग variation लिखा रहता है कई बार, तो वो इस बात का सिग्निफिकेंस है कि वेरिएशन एक रीजनल डिपेंडेंट एस्पेक्ट है, रीजन के हिसाब से बदलती रहती है, राइट? है ना? तो अभी बेसिकली अगर आप इस बारे में सोचो, तो हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे एक ऐसा मेथड है जिसमें जहाज का या ऑब्जर्वर का पोजीशन स्टेशनरी होता है, तो एक पोजिशन पर एक ही वेरिएशन हो सकता है ना। जब तक पोजिशन चेंज नहीं होगी वेरिएशन विल नॉट चेंज, एक बात। दूसरी बात, डेविएशन की अगर हम बात करें, तो डेविएशन अपने आप में हेडिंग डिपेंडेंट एस्पेक्ट है। आप डेविएशन कार्ड सबने देखे, तो डेविएशन कार्ड में जितने भी डेविएशन लिखा रहता है वो कंपास हेडिंग के अगेंस्ट लिखा रहता है, ये सुनो। तो एक खड़े हुए जहाज का एक ही टाइम पर कितना पॉसिबल हेडिंग हो सकता है? एक ही हो सकता है ना। अ स्टैंडिंग स्टेशनरी वेसल एट वन टाइम कैन नॉट हैव मोर देन वन हेडिंग, लॉजिकली, ये सुनो। तो एक हेडिंग पर कितने डेविएशन होते हैं? एक ही होता है। कभी भी किसी ने किसी डेविएशन कार्ड में एक हेडिंग के आगे चार डेविएशन लिखे देखे गए? एनीवन? नो, राइट? तो अगर आप सीडीएमवीटी लगाते भी, सीडीएमवीटी सबको पता है ना, कंपास टू ट्रू कन्वर्जन, तो कंपास आपको सब बियरिंग्स का दिया हुआ है। आपके मन में आया कि सर इसको हम ट्रू में चेंज कर लेते हैं, सी वन टू टी वन, देन सी टू टू टी टू, एंड देन सी थ्री टू T3, तो इस कन्वर्जन में आप सभी में जो D और V लगाओगे वो सेम ही तो लगाओगे ना। और अगर सब में D V सेम लगाओगे, तो जो HSA कंपास के डिफरेंस से आ रहा था वही सेम HSA ट्रू के डिफरेंस से भी आएगा, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि D और V तो आपने सेम ही लगाया। और बेयरिंग तो आपने HSA में कहीं प्लॉट भी नहीं करनी है, प्लॉटिंग तो आपको HSA के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाल के करनी होती है, दैट इज द मेथड ऑफ HSA। You are not plotting bearings anywhere. कहीं भी bearing plot किया क्या अभी भी मैंने? नहीं ना, HSA की value के basis पे plotting किया है। और HSA तो difference of bearings से आ रहा है, bearing तो originally कहीं plot हो ही नहीं रहा HSA में, कहीं पे भी। एक मिनट। तो इसीलिए आपका ये जो conversion है ये required ही नहीं है इन reasons की वजह से, because it is not affecting the methodology of the plot, neither the accuracy of the fix, and hence HSA becomes somewhere down the line free of the application of general errors, which is an integral part of any of the other methods. Baki kisi method mein ye aapke paas ye leverage nahi hai. HSA mein ye leverage hai because of the reasons I stated. Hai na? To is wajah se general errors bhi eradicate hone ki wajah se aapka HSA ka accuracy aur zyada badh jata hai. This is the reason HSA is accounted for as one of the most accurate terrestrial fixing method as compared to the rest. Because of these three reasons, एक object और observer दोनों stationary, second instrument bare minimum usability, only azimuth ring is required with a gyro, hence lesser applicability of instrumental error या chances of instrumental errors, third
जनरल एरर्स का एरेडिकेशन बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स आई एक्सप्लेन, ये तीन मिलके एचएसए को सबसे एक्यूरेट मेथड बना देते हैं। बात समझ नहीं आई? यार समझ में आया पक्का? शुभम, अली, अमित, अविनाश बोल क्या कह रहे हो सर? वो सीडीएम बीटी लिखा हुआ है सर, ये राइट या रॉन्ग बोलो, मैं खाली एक स्टेटमेंट बताता हूँ। हाँ बोल। जहाज पे हम लोग जायरो से ही लेते हैं सारे बेरिंग्स, तो ऑन शिप जायरो इज ट्रू एंड मैग्नेटिक डज नॉट एग्जिस्ट। कंपस रहता है वो हम मंकी आइलैंड से या कंपस रिपीटर से हम लोग देख के, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके मैग्नेटिक मिलता है रियल में, राइट है सर? नहीं गलत, दो बातें गलत है यार, मैं समझाता हूँ। अगर किसी और को भी ये सुन के कोई डाउट आया तो वो भी सुन सकता है साथ साथ। गलत इसलिए अविनाश, दो जगह से गलती हुई यहाँ पे। पहली गलती, गलती नहीं है एक्चुअली, मिसपरसेप्शन है टू बी ऑनेस्ट, गलती इज अ रॉन्ग वर्ड। जायरो ऑन शिप इज ट्रू, ये स्टेटमेंट गलत है। पहली बात तो आपका परसेप्शन सही है, स्टेटमेंट गलत है। परसेप्शन इसलिए सही है क्योंकि आप जिंदगी भर आप देखते आए हो कि आप जायरो से ऑब्जर्वेशन लेके ड्रेट प्लॉट कर देते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जायरो ट्रू ऑब्जर्वेशन दे रहा है। जायरो इज स्टिल अ कंपास, इट इज स्टिल गिविंग यू अ कंपास ऑब्जर्वेशन, ठीक है? दैट इज सी इन दिस, वो सी है जो यहाँ लिखा गया है, दैट इज द सी कंपास, दैट इज द जायरो ऑब्जर्वेशन, ठीक है? एक बात, अब आप डायरेक्ट प्लॉट इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि प्रैक्टिकली जायरो, मास्टर जायरो इज सिंक्रोनाइज्ड टू ट्रू नॉर्थ यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्पेक्ट या फील्ड, दैट इज हाउ इट इज बिल्ट ऑन यार्ड्स या बोर्ड, व्हाटएवर, ठीक है? तो एक हाईली ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट है। ये बातें बोलनी नहीं है कहीं पे, ये तुम्हारे सवाल क्या मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यू डोंट हैव टू स्पीक दिस थिंग, क्योंकि इसके अंदर घुसोगे तो वो जायरो के अंदर घुसेगा, फिर तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे ले जाएगा, फिर वो प्रेसेशन टॉर्क इनर्शिया इन सब पे घुसा देगा। तो इसीलिए मैंने कल भी समझाया था ना, बोलना उतना ही है जितना हम झेल पाए, उससे ज्यादा बोलने जाएंगे, स्मार्ट बनने जाएंगे तो वो स्मार्टनेस ही बेवकूफी हो जाती है। और तो कुछ बातें सिर्फ समझने के लिए होती है, बोलने के लिए नहीं। तो प्रैक्टिकली आपका जायरो जिस तरीके से बनाया जाता है उसका सिंक्रोनाइजेशन ट्रू नॉर्थ से अर्थ पे किया जाता है, और इस वजह से वो इतना हाईली ऑटोमेटेड सिंक्रोनाइजेशन होता है कि जायरो में जनरली आप मास्टर जायरो में कोई एरर एक्नॉलेज नहीं करते हो। इनफैक्ट हालत ये होती है कि अगर जायरो में कभी मास्टर जायरो अलार्म में कोई एरर आ गया तो सीधा कंप्लायंस होता है कंपनी पॉलिसी में, सीधा टेक्निकल आएगा ऑन बोर्ड। इवन मास्टर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू हैंडल जायरो ऑन बोर्ड, उसकी कॉम्पिटेंसी में भी नहीं आता, ठीक है? मैग्नेटिक कंपास आता है, जायरो नहीं आता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको इतना हाईली ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आपके पास वो फैसिलिटी है, उसको ट्रू नॉट से सिंक्रोनाइज किया गया प्रैक्टिकली, तो आप उसका डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो चार्ट पे प्लॉट करते हो, क्योंकि चार्ट ट्रू नॉर्थ पे चलता है, चार्ट पे सब कुछ ट्रू है, ठीक? ज्योग्राफिकल नॉर्थ के हिसाब से चार्ट्स बनाए गए हैं, राइट? तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन हुआ। बट हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी तो हम जहाज पे नहीं है, तो थ्योरी में तो हम थ्योरी को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट पे ही पढ़ेंगे। तो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट पे तो हमने कोई सिंक्रोनाइजेशन किया नहीं, तो हमारे लिए कंपस कंपस है, और हम उसको एक जेनरिक वे में जो उसका कंप्लायंस ऑफ कन्वर्जन है उसको अप्लाई करके उसको ट्रू में कन्वर्ट करके ही प्लॉट करेंगे, दैट इज अ सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। तो इस इंडिफरेंस की वजह से कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए विनाश कि जायरो इज, यू नो, जो आपने बोला कि जायरो इज गिविंग ट्रू, इट इज नॉट गिविंग ट्रू, इट इज सिंक्रोनाइज्ड विद ट्रू। दो अलग अलग बातें हैं, है ना? दोनों के मतलब अलग हो जाते हैं। एक बात तो यहां गलत हुए। दूसरी बात, जो आपने एक बात बोली कि मैग्नेटिक डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत गलत स्टेटमेंट है भैया। मैग्नेटिक कंपास का जो रिपीट मंकी आइलैंड से तुम्हें रिपीटर में वो गेज ग्लास दिख रहा है, वो मैग्नेटिक कंपास ही है। इट इज अ मैग्नेटिक कंपास प्रोबेबली प्रॉपरली प्लांटेड ऑन बोर्ड फॉर टेकिंग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑन एवरी बोर्ड, स्टिल इट इज अ कंप्लायंस। अभी भी वो कंप्लायंस कहीं हटाया नहीं गया है, इट इज स्टिल अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू हैव इट ऑन बोर्ड, ठीक है? तो वो एम है आपका, दैट इज द वैल्यू एम हियर, दैट इज द मैग्नेटिक कंपास वैल्यू जो आप यहां लगा रहे हो, वो कंपास से रीडिंग मिली है वही वैल्यू यहां आप लगा रहे हो, ठीक है? अब ए डेविएशन प्ले में आता है, दैट इज अ डेविएशन इंक्लूडिंग एस्पेक्ट। तो पहली बात तो ये कभी नहीं बोलना आगे कि मैग्नेटिक डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज एग्जिस्ट, व्हाटएवर यू आर सीइंग अबव द ऑटो पायलट इन द गेज ग्लास एज रिपीटर ऑफ द क्या बोलते वैल्यू ऑफ मंकी आइलैंड, कंपास होता है ना सर, वो तो मैग्नेटिक कंपास ही है, वो
और क्या है वो उसमें, वो जो साइड में बॉल्स है, रिंग्स है, मैग्नेटिक बार्स है, वो सब क्या है? मैग्नेटिक कंपास नहीं, वो लोग आते हैं एडजस्टिंग करके फिर अपना डिविएशन कार्ड बना के जाते हैं, एंड तभी हम लोग वही हेडिंग के ऊपर डिविएशन लगाते हैं सो दैट कंपास गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक, फिर वो जगह का वेरिएशन लगाते हैं। नहीं 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 वो कंपास ऑब्जर्वेशन कंपास हेडिंग से डेविएशन कार्ड को क्रॉस चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वेरीफाई होता है, यहां तक तुम सही हो। उसके बाद हम डेविएशन लगा के उसको कन्वर्ट नहीं करते, हम कंपास ऑब्जर्वेशन जायरो में जो है आती है उसमें एक्चुअली जो आप सब्जेक्टिव नॉलेज पढ़ रहे हो या प्रैक्टिकली करते ही नहीं हो, प्रैक्टिकली आप उस मैग्नेटिक में डायरेक्ट वेरिएशन लगाओगे ट्रू आएगा, आप डेविएशन लगाओगे नहीं उसमें, सीधे एमवीटी करोगे क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन एम से लिया है। ट्रू करने के लिए आप उसमें डायरेक्ट वेरिएशन लगाएंगे, डेविएशन नहीं लगाएंगे। डेविएशन आप वहां प्ले में लाएंगे जहां जायरो को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज वेयर डेविएशन कम्स इन टू प्ले, ठीक है? बट जैसा मैंने कहा कि प्रैक्टिकली क्योंकि जायरो इतना हाईली यू नो ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट है कि प्रैक्टिकली डेविएशन कार्ड कहीं प्ले में आता ही नहीं है। आप डेविएशन कार्ड को सिर्फ साइड में रखते हो, उसका इस्तेमाल नहीं करते हो जहाज पे कभी भी। जहाज मैक्सिमम चार्टेड वेरिएशन का कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू डू। You do not use the deviation card practically these days, especially after gyro has come into play for past 20 odd years. ठीक है, जब तक नहीं था तब तक वो use होता था, अब नहीं होता है क्योंकि gyro उतना highly automated instrument बना दिया गया कि उसकी usability रह नहीं गई। But ये सब practical बातें हैं, इसको छोरी में मत घुसाओ। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ, छोरी एक subjective aspect है। इसमें मेरे पास कोई synchronization, automation, ये ना ये सब सुविधाएं नहीं है। तो यहां मैं जो भी बातें करता हूं या बोलता हूं एक सब्जेक्टिव नॉलेज के एस्पेक्ट से, तो वो मैं उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के साथ मर्ज करके नहीं बोल सकता क्योंकि वहां पे सिनेरियो अलग है, अवेलेबिलिटी अलग है, यहाँ पे नहीं है वो चीज। समझ आया विनाश? तो यहाँ पे आपके लिए डी भी वैलिड है, वी भी वैलिड है, सी भी वैलिड है, एम भी वैलिड है, एवरीथिंग इज वैलिड राइट नाउ बिकॉज आई डोंट हैव दोस लिवरेजेस एंड फैसिलिटीज व्हिच आई हैव ऑन बोर्ड राइट नाउ। तो मुझसे सवाल सब्जेक्टिव किया जा रहा है तो मैं अपने जवाब को भी सब्जेक्टिव ही रखूंगा। आई विल नॉट गो इनटू दैट प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ आंसरिंग बिकॉज देन आई विल गेट स्टक, वो स्टक वही हो जाएगा। अब ये तो चलो मैं हूं, मैं दोनों तरीके से बात करके चीजें आपको समझा रहा हूँ, पर जो वहां आदमी बैठा होगा वो मेरे से भी 25 साल सीनियर होगा। हो सकता है उनमें से ऐसे भी दो चार लोग हो जिन्होंने जायरो कभी देखा ही ना हो, अपने 80s में सेलिंग करके आए, अर्ली 90s में आए, जायरो पता ही नहीं था क्या होता है ना, तो वो उसको रिलेट नहीं करेंगे और समझाने का समय उनके पास है नहीं, ना उनका मोटिवेशन या प्रोविजन है समझाने का। वो सीधा क्या करेंगे, एफ काम खत्म क्योंकि वो उनकी बुद्धि में नहीं गया। समझा मेरी बात? तो इसीलिए जब आप आंसर्स देते हो तो उनको कीप इट एज सब्जेक्टिव एज पॉसिबल बिकॉज दैट इज हाउ दे हैव बीन आस्क्ड एंड दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, प्रैक्टिकल आंसर्स तब देने का जब आप कहीं से कोई चीज कोट कर सकते हो, जैसे आप आरओआर में कोट कर रहे हो, दैट इज प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको वॉल्यूम में कहीं कुछ लिखा है किसी, अब जैसे आप कोई आईएमडीजी का आंसर दे रहे हो, आईएसबीसी का आंसर दे रहे हो, यू एलएसएफएफए का आंसर दे रहे हो, सोलास से रिलेटेड का आंसर दे रहे हो, वहां आप रेगुलेशन कोट कर सकते हैं। दैट प्रैक्टिकलिटी इज एक्सेप्टेबल, इनफैक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, क्योंकि वो आपने भी पढ़ी है, उन्होंने भी पढ़ी है, वो 50 साल से चल रही है चीज, अमेंडमेंट भी सब पढ़ लेते हैं। बट ये इस तरीके के आंसर्स बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, इनको कभी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप में मत डालना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेगा, उसके लिए सब्जेक्टिव इज व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन। ठीक है अविनाश, बात समझा? ठीक है, तो ये एचएसए का क्लियरेंस मिल गया सबको, किसी को कोई भी डाउट अभी तक? एनीवन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वी डू नॉट प्रेफर टेकिंग एम्पलीट्यूड ऑफ मून, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट। अब सुनो, एम्पलीट्यूड हम पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड कब प्रेफर किया जाता है। एनीवन? व्हेन इट इज, व्हेन द बॉडी राइजिंग और सेटिंग, राइजिंग और सेटिंग के टाइम पे, व्हेन बॉडी इज वेयर, बॉडी का लोकेशन आई, फिर यही गलती अविनाश तूने कल करी थी, मैंने टोका था, फिर तू वही गलती किया, फिर तू वही गलती। When the center of the body, center of the object is on the visible horizon. Near the prime vertical. Exactly. This is what we want to hear. Body is on or near the prime vertical. That's it. Definition में भी वही लिखा हुआ है. Visible horizon definition में कहीं नहीं लिखा हुआ है. Amplitude. Nowhere it is written. ठीक है?
तो बॉडी इज ऑन और नियर दी प्राइम वर्टिकल, ठीक है, या जैसे आपने कहा थ्योरेटिकल राइजिंग या सेटिंग के टाइप का, दैट इज व्हेन एम्पलीट्यूड इज प्रेफर्ड. अब होता क्या है, मून एज अ सेलेस्टियल बॉडी इज नॉट सेल्फ इलिमिनेटेड, ये हम सबको मालूम है. मून का इलिमिनेशन डिपेंड करता है किस पे, लाइट रिसीव्ड फ्रॉम सन, है ना, ये हम बचपन में ज्योग्राफी में भी पढ़ाया गया है हम लोगों को. तो मून सेल्फ इलिमिनेटेड बॉडी नहीं है, इट्स इलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन द लाइट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, राइट. तो व्हाट हैपेंस इज कि मून का जो राइजिंग सेटिंग ट्रांजिट पीरियड है, दैट इज वन साइडरियल डे. साइडरियल डे का वैल्यू भी आप इस लेवल पे आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, किसी को लिखना लिख भी सकता है. इट इज 23 hours 56 minutes and 04 seconds. 23 hours 56 minutes 04 seconds, ये साइडरियल डे का वैल्यू. इस पे मून चलता है, मून का राइजिंग सेटिंग ट्रांजिट पीरियड. सन का उल्टा है, सोलर डे पे है. सोलर डे की वैल्यू नॉर्मल 24 hours 00 minutes and 00 seconds, ठीक. तो ये जो अप्रोक्सीमेट 4 मिनट का अंतर है इनके ट्रांजिट पीरियड ऑफ राइजिंग सेटिंग में, उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जब मून राइज होता है, सन उसके बाद सेट होता है, मतलब मून राइज होने के बाद सन सेट हो रहा है. सिमिलरली जब मून सेट होता है तो उसके पहले सन राइज हो चुका होता है. बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन, एक्चुअली में जब मून आपके प्राइम वर्टिकल के पास या थ्योरेटिकल राइजिंग सेटिंग के फेज में है, उस टाइम पे होराइजन ऑलरेडी बहुत ब्राइट होता है, और बिकॉज ऑफ दैट आपको मून ढंग से विजिबल नहीं होगा, और जब तक वो ढंग से विजिबल होगा ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, तब तक वो ऑलरेडी पास्ट इट्स फेज ऑफ प्राइम वर्टिकल हो चुका होगा, और उस समय एम्पलीट्यूड लेना विल बिकम अ वेरी वीकर साइड, बिकॉज इट इज ऑलरेडी पास्ट द फेज ऑफ व्हेन यू शुड हैव एक्चुअली टेकन एन एम्पलीट्यूड. हेंस we do not prefer taking amplitude of moon. यही reasons है. तो इस answer में 3 important points है. पहला कि moon self-illuminated body नहीं है, वो sun से received light पे उसका illumination depend करता है. ये पहला important point. दूसरा, आपका difference of transit period between rising and setting of sun and moon बताना है sidereal and solar day value के साथ. ये दूसरा point होना चाहिए. और तीसरा, आपका पहले दो पॉइंट का एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आप ये बताओगे कि इस डिफरेंस और इलिमिनेशन के डिपेंडेंसी की वजह से जब मून राइज होता है, सन इज सेटिंग आफ्टर दैट, एंड व्हेन मून इज सेटिंग सन हैज रिजन बिफोर दैट, बिकॉज ऑफ दिस द होराइजन इज वेरी ब्राइट एट द टाइम व्हेन मून इज मोर ऑर लेस नियर और ऑन द प्राइम वर्टिकल, बिकॉज ऑफ व्हिच वी कैन नॉट सी मून प्रॉपरली for a good observation at the time of amplitude, and hence we do not prefer taking amplitude of moon. This is the answer that how you will frame it. ये तीन main बातें आपको उसमें करनी हैं. बात समझ नहीं? अयर बात समझ नहीं? पक्का? Logic समझ में आ गया answer का जो है? Points भी समझ में आए जो है? अविनाश, शुभम और अमित, अली, समझ में आए? अली पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Why PL for light by Morot is east west? इसका आंसर तो यार कायदे से तुम लोगों को देना चाहिए. हमने light by Morot का अच्छा डिस्कशन किया था अभी लास्ट क्लास में. एनीवन सर, जो बॉडी है वो मेरिडियन ऑल्टीट्यूड के टाइम पे ऑब्जर्वर के मेरिडियन पे ही होगी. एक्सेलेंट, गुड स्टार्ट. जो एजिमथ होगा वो उसके प्लस माइनस 90 ही होगा, तो मतलब मेरिडियन ऑल्टीट्यूड पे है तो वो नॉर्थ साउथ वाली लाइन पे ही होगा, क्योंकि मेरिडियन पे मेरिडियन नॉर्थ साउथ ही क्रॉस
इसमें एक बात शुभम बोलिए, उसका पॉसिबल एजिमथ नॉर्थ साउथ हो सकता है, दैट इज द बेयरिंग ऑफ द बॉडी राइट, एंड सिंस पीएल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एजिमथ, हेंस योर पीएल फॉर लैट मेमोरॉड कैन ओनली बी ईस्ट वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ साउथ का परपेंडिकुलर क्या होगा, ईस्ट वेस्ट ही होगा ना हमेशा, यही इसका आंसर है. तो इसके भी तीन छोटे पॉइंट, पहला पॉइंट एट टाइम ऑफ लैट मेमोरॉड बॉडी इज ऑन द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन अबव हिज हेड. Second point, at this instance, the only possible azimuth that a body can give can be either north or south. Third, PL is always perpendicular to azimuth, and in this case, a north-south azimuth can only give a perpendicular PL of east-west. Hence, lat by mrod PL is always east-west. Khatam. Itna bola, bahut hai. Isse zyada nahi, isse kam nahi. That is more than sufficient answer. Understood? Isme kisi ko koi doubt? Anyone? ठीक है, अगला अगला हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे, फाइव में बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा. डिफरेंस बिटवीन सिडरल एंड सोलर डे, इसको मैंने आंसर शीट जो भेजी उसमें साफ साफ लिखा है, मैं खाली आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, उसमें एग्जैक्टली अच्छा लिखा है आंसर, आपको लिखने की भी जरूरत है, वहीं से नोट्स रेफर कर लीजिएगा इसके, बिल्कुल सही लिखा है जिसने बच्चे ने जो मैंने भेजा इसका नोट. सिडरल डे क्या होता है, बेसिकली क्रॉसिंग द सेम मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर, जीएचए एरीज जब ऑब्जर्वर के सेम मेरिडियन को कंसेक्यूटिवली क्रॉस करता है तो उसका जो पीरियड होता है दैट इज टर्म्ड एज सिडरल डे, उसकी वैल्यू हमने लिखी 23:56:04. तो व्हेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज इज क्रॉसिंग द सेम मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर कंसेक्यूटिवली इन अ पीरियड नोन एज सिडरल डे हुज वैल्यू इज 23:56:04. उसी तरह सोलर डे क्या होता है, यही चीज जब सन करता है, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव मरपास के बीच में सेम मेरिडियन ऑब्जर्वर्स मेरिडियन को जब सन कंसेक्यूटिवली क्रॉस करता है विद इन विच पीरियड उसको सोलर डे बोलते हैं, और उसकी वैल्यू 24:00 hours 00 seconds होती है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैटर्न. तो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज का कंसेक्यूटिव मरपास क्रॉसिंग है और दूसरा सन का कंसेक्यूटिव मरपास क्रॉसिंग है ओवर द सेम मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर, सेम मेरिडियन होना चाहिए, खाली ऑब्जर्वर मेरिडियन नहीं बोलेगा क्योंकि ऑब्जर्वर मेरिडियन तो बदल भी सकता है 24 घंटे में, सेम मेरिडियन वर्ड इज द राइट वर्ड, ये भी गलती करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको स्पेसिफिकली, तो ऑब्जर्वर मेरिडियन नहीं बोलेगा, सेम मेरिडियन बोल ले, बात समझ आई सर? साइडल डे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज क्यों सर, क्यों सर, मतलब दिस इज हाउ साइडल डे हैज बीन मेजर्ड, वो तो मून का होता है ना साइडल डे, तो मून उस साइड, मून क्या स्टार भी उसी सिडरल डे की वैल्यू के हिसाब से रन करते हैं, मून का ट्रांजिट पीरियड सिडरल डे से मैच करता है, सिडरल डे होता क्या है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव पासेस ओवर सेम मेरिडियन ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिडरल पीरियड, है ना, मून इज इट्स ट्रांजिट बिटवीन राइजिंग एंड सेटिंग इज मैचिंग द सिडरल पीरियड, that is the number of hours it takes to complete its rising and setting in one particular day, wo jo alag alag baat hogi na. agla kya hai, ek question number 8 hai jo kal maine aapko already kara diya tha, explain x meridian limits, hai na, to x meridian limits maine kal aapko padhaya tha bahut detail mein ki kya hota hai period of time between क्या बोलते हैं बिटवीन विच एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैन बी टेकन विद रेफरेंस टू मेरिडियन पैसेज ऑफ अ बॉडी, ठीक, और उसको निकालने का भी तरीका मैंने सिखाया था टेबल 1 एंड 4 नूरीज एंड बार्टन में, और इसका मतलब भी मैंने बताया था कि प्लस माइनस दैट ईएमएल फ्रॉम मरपास विल डेजिग्नेट द पीरियड बिटवीन विच बॉडी कैन बी कंसिडर्ड नियर द मेरिडियन एंड एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैन बी टेकन एंड वर्क्ड आउट फॉर कैलकुलेटिंग योर रिस्पेक्टिव पीएल. तो ये सारी बातें आप इस आंसर में बोल सकते, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेनेशन ऑफ वीओडी करेक्शन, इसका नोट मैंने आपको भेजा है, आपको जो नोट्स भेजे हैं ना उसमें एक पेज है वीएनडी करेक्शन को लेके, उस पेज में वी करेक्शन और डी करेक्शन के 5-5, 8-6 पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स याद कर लेने का, इस आंसर में बोल देने का, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, 4-5 पॉइंट्स जो दोनों उस नोट में लिखे हैं ना दैट इज मोर देन सफिशिएंट, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग ओवर दैट, ठीक है. I'll stop here today, ठीक है, अभी
और भी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं, जैसे तीन चार आज एक्सप्लेन किए, तो उसमें और बहुत सारे इसमें अभी एक्सप्लेनेटरी हैं जो बीच बीच में मैंने छोड़े हैं, जैसे वो क्वेश्चन 5 में भी मैंने छोड़ा है, बीच का एक क्वेश्चन 7 छोड़ा है ना, और बाकी आगे के भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी जितने क्वेश्चन कराए उनके, जैसे मैंने पहले भी कहा आज भी कहा, नोट्स विद रेफरेंस नोट्स दैट आई हैव सेंड, और आपने जो क्लास में सुन रहे हो उसको मिक्स करके पॉइंट वाइज, मैं हमेशा बोलता हूँ पैराग्राफ मत बनाया करो, पॉइंट वाइज मैं आंसर भी पॉइंट में बताता हूँ ना, अभी भी जैसे बोल रहा था तो हर आंसर को समझाने के बाद पहला पॉइंट ये होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट ये होना चाहिए, तो आप अपने आंसर्स के नोट्स की फ्रेमिंग भी उन पॉइंट्स के हिसाब से करो, दैट इज उसमें दो बातें होती है, फर्स्ट इट इज ईजी टू रिटेन एंड ग्रास्प, पॉइंट्स जल्दी याद होते हैं रादर देन अ पैराग्राफ, बेसिक ह्यूमन ब्रेन वर्क्स लाइक दैट। सेकेंड, पॉइंट्स जब आप बोलते हो ना तो आपकी रिकॉलिंग वैल्यू बढ़ती है, आपको जैसे अब आपको नंबर याद है कि यार इस आंसर में 4 पॉइंट है, तो आप जब रिकॉल करके उसका जवाब दोगे ना, आप उस हिसाब से दोगे यार 4 बातें बोलनी है मुझे या 3 बातें बोलनी है मुझे, पैराग्राफ में ये फीलिंग नहीं आ पाती, आपको याद ही नहीं आएगा आप क्या मिस कर गए, पॉइंट में ये रिकॉल वैल्यू ज्यादा होती है, गेट माय पॉइंट, ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो वो नंबर्स आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं जब आप लगातार पढ़ते हो उस पेपर, तो वो नंबर्स से आप फिर वो रिकॉल वैल्यू बढ़ा के आप करेक्ट आंसर फ्रेम करके दोगे, मोर उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आंसर देने की, दैट इज हाउ यू शुड लर्न, लर्निंग का काम हमेशा पॉइंट्स होना चाहिए, कभी भी पैराग्राफ्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है, तो जाओ, आई सी यू टुमारो एट सेम टाइम, और फिर हम लोग वापस आगे के क्वेश्चन जो बीच के बचे हैं या जो आगे एक्स्ट्रा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और बात, ये जो भी आप आंसर्स मैं बोल रहा हूँ बार बार बनाने को, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कल क्लास के पहले अपने अपने नोट्स भेजिए, आई वॉन्ट टू रिव्यू इट वंस, ये नहीं अब तुरंत नहीं कर पाया तो एक दिन बात करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, और करके मैं आपको उस पर इनपुट भी दूंगा, अगर किसी का क्लास में ही दूंगा कि किसी ने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, क्या एक्स्ट्रा लिखा है, क्या कम लिखा है, क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, व्हाट यू हैव मिसप्लेस्ड, तो ये सारे रिव्यूज मैं आपको क्लास में ही दूंगा, लेकिन आई विल नीड कि आपने क्लास से जो ग्रैस्प किया और जो नोट्स आपने पढ़े जो मैंने भेजे उनको मिक्स करके आपने क्या परफॉर्म किया, दैट इज व्हाट आई नीड, ओके अंडरस्टूड, तो राइट देम डाउन व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड एंड सेंड इट टू मी, स्कैन करो, सेंड करो, मैं उसको फ्री होते ही चेक करके और आपको क्लास में रिस्पॉन्ड दूंगा, ठीक, चलो जाओ, आई विल सी यू टुमारो।